हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति खाना खजाना। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट पेस्ट्री, वो भी बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। इसे हम बहुत ही कम समय में बना के रेडी करेंगे और ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होगी। तो चलिए इसे कैसे बनाना है स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, हम ये केक बनाएंगे पैन में, तो सबसे पहले पैन रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा ऑयल ग्रीस करना है। अब एक बटर पेपर लगाएं। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप यूज करें, ना हो तो आप इसे डायरेक्टली बेक कर सकते हैं। इसमें भी थोड़ा ऑयल ग्रीस कर लें। आज हम केक का बैटर डायरेक्टली मिक्सर ग्राइंडर में रेडी करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आधा कप दूध लें। मैं मेजरिंग कप का यूज कर रही हूँ, आप अपने घर के किसी भी बर्तन का यूज कर सकते हैं। 1/4 कप ऑयल, 1 टीस्पून चॉकलेट एसेंस, 5 से 6 चम्मच शुगर। इसे ग्राइंड कर लें। अब इसमें ड्राई मटेरियल ऐड करें। 1 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर, इसे दोबारा ग्राइंड करें। अब इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करना है। ग्राइंड कर। दोस्तों, आप देख सकते हैं केक का बैटर बिल्कुल अच्छे से बन के रेडी हुआ है। हमें इसे पैन में ट्रांसफर कर लेना है। हमने सारा बैटर पैन में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसे 2 से 3 बार डैप करें। एक टूथपिक ले और इसे इस तरीके से घुमाएं ताकि सारे एयर बबल्स निकल जाएं। अब हमें इसे बेक करना है। दोस्तों, अब हमें इस तरीके का एक तवा ले लेना है। आपके पास कोई भी तवा आप यूज कर सकते हैं। इसे हमें 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम गर्म करना है। दोस्तों, हमने तवे को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हमें गैस का फ्लेम लो कर लेना है। इसके ऊपर ये तवा रखिए और इसे ढक्कन से कवर कर लें। अब हमें इसे 15 से 20 मिनट इसी तरीके से पकने देना है। जब तक केक बेक हो रहा है तब तक हमें इसकी फ्रॉस्टिंग रेडी कर लेनी है। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप व्हिपिंग क्रीम ले लिया है। दोस्तों, इसे ठंडा ही ले। हमें इसे अच्छी तरीके से फेंट लेना है। अब इसमें शुगर ऐड करें। यहाँ मैंने पाउडर शुगर का यूज किया है। इसे अच्छी तरह फेंटें। दोस्तों, मैंने 1/4 कप शुगर का यूज किया है। हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक इसका टेक्सचर क्रीमी ना हो जाए। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये काफी क्रीमी हो गई है। इसके लिए मैंने किसी इलेक्ट्रिक बीटर का यूज नहीं किया है क्योंकि वो हर घर अवेलेबल नहीं होता है। देखिए, ये बिल्कुल क्रीमी हो गई है। अब हमें इसमें ये कोको पाउडर ऐड करना है। कोको पाउडर भी मैंने 1/4 कप ही लिया है। इस तरह से साइड्स क्लीन कर लें और इसे दोबारा अच्छे से मिक्स करें। हमें इस तरीके के बैग में ट्रांसफर कर लेने हैं। दूसरे हमने रेडी कर लिया है, इसे साइड रख दें। 220 मिनट हो गए हैं, हमें इसे खोलकर चेक कर लेना है। अब एक टूथपिक की मदद से चेक कर लें ये बेक हुआ है या नहीं। अब देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लीन आ रहा है। अब हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही ठंडा होने लें। अब हमें ये केक निकाल लेने हैं इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से निकल गई है। अब हमें इस केक के साइड्स कट कर लेने हैं। दोस्तों, ये केक हमने रख लिया है। हमें इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। क्रीम डाल लेना है।
इसे ऊपर से कवर करें, ऊपर भी क्रीम लगा लें इस तरह से। हमें साइड्स में भी क्रीम लगा लेने हैं। अब हमें इसे बीच से कट करना है, सावधानी से कट करें। दोस्तों ये केक बिल्कुल रेडी है, आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे डेकोरेट करना चाहे तो आप इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने स्टार्स ले लिया है। दोस्तों ये बिल्कुल रेडी है। दोस्तों हमारी यम्मी सी चॉकलेट पेस्ट्री बनकर बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ही कम समय में बना के रेडी किया है और ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है। जैसे हम बेकरी में खाते हैं बिल्कुल वैसे ही। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, और मेरी इस रेसिपी को लाइक और शेयर करना ना भूलें।